दिगपहंडी स्थित श्री राधामोहन महाप्रभु एवं राधा दामोदर महाप्रभु मंदिर जमी को बेआईन भाव बिक्री करा अभियोग प्रतिवाद रे बुधवार पी शिवशंकर ए हरि पी गोविंद ए पुरुषोत्तम आलोक बारिक ए सूर्य नारायण पी हरिश्चंद्र ए घन ए गणेश एस लाचिया ए कृष्णमूर्ति बी कालिया आलोक बारिक प्रमुख बहु संख्यक भाग चाषी आईनजीवी कुरेश पंडा उपस्थित दिगपहंडी तहसीलदार आदित्य कुमार स्वाई को साक्षात करी मुख्यमंत्री उद्देश्य स्मारक पत्र प्रदान करी दिगपहंडी मौजा खाता नंबर 127 देवोत्तर विभाग अधीन 5 एकड़ 933 डिसीमिल दो फसली चाष जमी को गत मे 27 तारीख में दिगपहंडी सब रजिस्ट्रार कार्यालय दलिल नंबर 1376/2020 अनुजाई बिक्री करा जाय छी जहाकि हिंदू देवोत्तर आईन समेत और राज्य भू संस्कार आईन विरोधाचरण करुछि बोली स्मारक पत्र रे उल्लेख रही छी। उक्त चाष जमी को पूर्व पुरुषानुक्रमे भाग चाष करी नियमित महसूल पैठ करी भोग दखल करी आसुथिबा भाग चाषी मानकु जमीर बेदखल न करी किंबा बिक्री संबंध रे कोनोसे सूचना न दे भू संपत्ति हड़प उद्देश्य रे मंदिर चाष जमी को बिक्री करा जाय थिबा चाषी माने अभियोग करिछन्ति। देवोत्तर विभाग अधीन एही चाष जमी विक्रय रे ओडिसा स्थावर भू संपत्ति नियामक प्राधिकरण आईन रो खोला उल्लंघन करा जाय छि। मिथ्या तथ्य आधार रे जमी विक्रय मूल्य को कम दर्शा जाय दलील प्रस्तुत करा जाय थिबा उक्त विक्रय दलील को रद्द करा जिबा निमन्ते स्मारक पत्र रे उल्लेख रही। दिगपहंडी ब्रह्मपुर मुख्य रास्ता 17 नंबर राज्य राजपथ कड़े श्री राधामोहन और श्री राधा दामोदर महाप्रभु कोटि कोटि टंका मूल्यर चाष जमी रही बेले वर्तमान महाप्रभु दैनंदिन नीतिकांति सेवा पूजा जानी यात्रा हो पारु नथिबा सह नियमित भोग लगी करा जाउ नथिबारु महाप्रभु उपास रे रहुथिबारु हिंदू धार्मिक भवन रे आघात पहुंचु स्थानीय ग्रामवासी अभियोग करिछन्ति। धरकोट रु अशेष कुमार पात्रों रिपोर्ट अमृत टीवी।